आज की शताब्दी म्यूजिक की सदारत कर रहे सदर साहब गुब्बारा फोन के जिक्र दादा और मेरे बुजुर्ग मैन भाई असलाम रोशन। आज की इस मीटिंग का मकसद आप सभी लोग जानते हैं, मेरे साथ कई प्रत्याशी इलेक्शन के मैदान में हैं। मेरा चुनाव निशान लड़का और लड़की है जिस पर वोट देने की आपसे अपील करते हैं। मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये चुनाव चेयर पर्सन का है, किसी प्रतिनिधि का नहीं। आपको चेयर पर्सन चुनना है ना कि प्रतिनिधि। अगर आप प्रतिनिधि कल्चर को बढ़ावा देंगे तो फिर महिला सीट होने का मकसद ही हल नहीं होगा। आप चेयरमैन ही ऐसे आपको फैला दे कि आपका वोट किसी और को और चेयरमैन कोई और चुनाए। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि नगर पालिका का चुनाव जीतने के बाद पालिका में मैं खुद चलाऊंगी, नगर पालिका ऑफिस में मैं खुद बैठूंगी और समय जांच तेरी के जारी करूंगी। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मेरे कार्यकाल में कोई निर्मल काल जैसा फर्जी चेकों का मामला नहीं आएगा, ना ही पीएफ जैसे घोटाले सामने आएंगे, नगरायतों में कोई खेला होगा और कहीं पूरा गलत के बने पूरा घर में पद मशीनों के बावजूद भी एजेंसी को किसी तरह की पेवट की जाएगी। मेरे आने पर उस एजेंसी की बंद पड़ी मशीनें चालू करनी होगी और पूलों का निस्तारण करना होगा ताकि मोहल्ले और आस पास के लोगों के कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं ये भी वादा करती हूँ कि नगर के रिपेयर के नाम पर नए सांप के भुगतान की जांच जरूर की जाएगी। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि काम रिपेयर का हो और भुगतान नए काम का हो। मैं ये भी वादा करती हूँ कि नगर पालिका के कर्मचारियों को आपके काम सबसे पहले करने होंगे। पिछले 5 सालों में ऐसे काम हुए जिससे करोड़ों के रुपए बर्बाद हुए हैं, जैसे पीलिया की बीमारी के बाद करोड़ों रुपए की पाइपलाइन बिछाई गई मगर उन सारी पाइपलाइनों में अभी तक सप्लाई नहीं की गई है। वाटर एटीएम लगे मगर शायद ही इस्तेमाल हुए थे। नगर पालिका से बेशुमार गाड़ियां खरीदी गई मगर वो अपनी गवार की तरह पड़ी हुई है। इस तरह के काम मेरे कार्यकाल में नहीं हो गए। नगर पालिका ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें किसी भी तरह के सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट आप घर बैठे अपने मोबाइल से अप्लाई कर पाएंगे और आपका मोबाइल पर ही मिल ही जाएंगे। कोई भी आपकी कंप्लेन होगी नगर पालिका से आप ऑनलाइन उसको दर्ज कर पाएंगे। मेरे भाई पिछले 5 साल तक रहे चेयरमैन ने चुनाव में लाइब्रेरी बनाने का वादा किया था पर इस मामले में उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं नगर पालिका के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी जो हो सकेगा वो करने की कोशिश करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसी लाइब्रेरी बनाऊंगी जहाँ किताबों के साथ ही कंप्यूटर्स होंगे और वो सारे इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे ताकि किसी भी तरह की तैयारी करने वालों को आसानी हो सके और उस लाइब्रेरी का फायदा उठा सके। ऐसी कोचिंग चलाने की कोशिश की जाएगी जिससे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो या दूसरे इंटरव्यू की तैयारी करनी हो
ऐसी सिर्फ कोशिश नहीं की जाएगी बल्कि इसका सबसे पहले स्टंट किया जाएगा। यह ज्यादा इंतजाम नगर पालिका भी किया जाएगा जबकि मुबारक हो के स्टूडेंट्स और जनता को कोई दिक्कत ना हो सके। मुबारकपुर में पानी निकासी जैसी बड़ी समस्या से निजात दिलाई जाएगी। जरा भी बारिश हो जाने पर लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाता है। इस समस्या में छुटकारा दिलाने के लिए मजबूती से काम करने की जरूरत है जिसके लिए एक अच्छी स्कीम बनाकर उस पर काम किया जाएगा और पानी निकासी की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए हर काम किया जाएगा उससे नगर एयर की परेशानी से बच सके। मेरे भाई ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। मैं इन्हीं सब काम को करने के लिए इलेक्शन लड़ रही हूँ और आपसे पूरी उम्मीद लगाए हुए हूँ कि आपने जिस तरह मेरे वादे डॉक्टर शबीर अहमद साहब को लगातार कामयाब किया हो वैसे ही आज आप अपनी इस बेटी अपनी बहन को जरूर कामयाब करेंगे। और आने वाली 11 मई को लड़का लड़की चुनाव निशान पर अपना कीमती वोट देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।